नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। देशभर की तमाम ताजातरीन खबरों के साथ मैं प्रज्ञा प्रिया हाजिर हूँ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और तमाम दल के नेताओं से और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आर्जू करती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों इस तरह से आज 4 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब सबों का आग्रह था कि CBI से जाँच हो तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम CBI से जांच हो रही है, CBI अपना काम कर रही है, दोषी को सजा भी मिल रहा है, लेकिन हर न्यूज में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मंजू वर्मा चंद्रशेखर वर्मा आज 4 महीने से छापा जा रहा है। आखिर मुझे जो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी गलती क्या है? मैं अपने सरकार से, जनता से और विरोधी दल के तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। मुझे इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है 4 महीने से क्योंकि मैं कमजोर वर्ग से हूँ, मैं कुशवाहा जात से हूँ, मैं औरत हूँ, इसीलिए मुझे आज 4 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद 4 महीना में 10 दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि न्यूज में मंजू वर्मा, चंद्रशेखर वर्मा और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नहीं आया होगा। आखिर जब CBI जांच कर रही है, फिर मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं CBI के कर्तव्यनिष्ठता और उसके स्वच्छ चरित्र और उसके ईमानदारी को सलाम करती हूँ और मुझे विश्वास है कि CBI उचित जांच करेगी। और ये प्रताड़ित जो हो रही है सिर्फ मंजू वर्मा नहीं हो रही है, मंजू वर्मा को कौन पहचानता था, यह प्रताड़ित चरिया वरियालपुर की विधायक हो रही है, सरकार की पूर्व मंत्री हो रही है। इससे पहले मुजफ्फरपुर पालिका गृह मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की रातदार मधु ने CBI पर आरोप लगाया कि CBI उस पर दबाव बना रही है कि वो सीनियर ऑफिसर और नेताओं का नाम ले इस मामले में, ऐसा नहीं कर रहे वे लोग ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बताते चले कि मुजफ्फरपुर महापाप की मधु सबसे बड़ी राजदार है। मुजफ्फरपुर के पूर्व कल्याण पदाधिकारी की पत्नी ने ही इससे सबसे पहले पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा पर आरोप लगाया था कि वे अक्सर मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जाया करते थे। आप ही सुन ले कि महिला ने क्या आरोप लगाया था। के लिए मेरे पति को पूरी तरह साजिश करके फंसाया गया है, उन्होंने हमेशा CCTV कैमरा लगाने के लिए, बिल्डिंग बदलवाने के लिए कार्रवाई की, लेटर में भेजा, क्यों नहीं बदलवाया गया, क्यों नहीं लेटर पे कार्रवाई किया गया? मंजू वर्मा के पति क्या करने जाते थे रिमांड होम बालिका गृह में? बिहार के मुजफ्फरपुर में ही नगर थाना के दरोगा मनोज कुमार निराला शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वे नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला रोड स्थित एक होटल में अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ होटल मालिक संजीव कुमार को भी पुलिस ने दबोच लिया है। SSP मनोज कुमार के निर्देश पर दरोगा मनोज कुमार निराला व होटल के मालिक संजीव कुमार एवं अन्य के खिलाफ एक्सरसाइज एक्ट में FIR दर्ज की गई है। SSP मनोज कुमार ने इस मामले पर कहा कि दरोगा की शराब पीने की बात सच है, इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कानून का उल्लंघन है जिसके लिए पदाधिकारी की गिरफ्तारी की गई है, वो जेल जाएंगे, निलंबित कर दिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बर्खास्त वगैरह क्योंकि पूर्व में तो पदाधिकारी सीधे से देखिए निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई होगी, उसके बाद उसमें जो भी निर्णय होगा वो सख्त से सख्त
कार्रवाई की डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीतामढ़ी जिले के इलाजरत महिला बंदी के साथ दुष्कर्म एक मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान 14 नवंबर की रात शौच के लिए जा रही थी, उसी दौरान नशीली दवाओं को सुंघाकर किया दो युवकों ने मेरे साथ दुष्कर्म। महिला 22 नवंबर को जब सीतामढ़ी जेल लौटी तब उसने इस बात की सूचना जेल के अधीक्षक को दी थी। इस मामले में मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि जेल अधीक्षक के आवेदन के आलोक में FIR दर्ज कर अनुसंधान की। सीतामढ़ी डुमरा थाना से एक आवेदन आया, जेलर सुप्रिंटेंडेंट वहाँ का क्या कहते हैं सीतामढ़ी जेल का फॉरवर्डेड है, उस पर एक महिला बंदी दो आदमी पर आरोप लगाई है कि महिला आरक्षी के साथ शौचालय गई थी, शौचालय में कोई उसको दो आदमी पर आरोप लगाई है कि नशीला खिलाकर और उसके साथ दुष्कर्म किया। FIR दर्ज कर दिया। हाँ, FIR दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। ये जो भी पता चला है पेपर के द्वारा, कभी हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं थी यहाँ पे, न उस रोगी के द्वारा और नहीं तो जिस वार्ड में वो रहती है जहाँ के उनके गार्ड रहते हैं उन लोगों के द्वारा भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था जो कुछ हुआ है। पेशेंट 11 तारीख को 10:00 पर आई है और 21 तारीख को डिस्चार्ज होकर चली गई और आज 30 तारीख है और आज वो 30 तारीख है, आज ये मैटर उजागर हो रहा है। हम इस संबंध में क्या बोलेंगे, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मतलब विभाग से कुछ आया, विभाग से बात हो रही, उन्होंने डिटेल पेशेंट का लिया और दिशा निर्देश विभाग हमको क्या देगा, हम लोग का इन्वेस्टिगेशन तो करना नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को करना है, ये पुलिस जानेगी क्या है नहीं है। लेकिन किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन न तो थानेदार उनके साथ जो गार्ड थे उनके द्वारा दिया गया और न ही तो वो पेशेंट गायत्री देवी के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया। आज के बुलेटिन में बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।